राजस्थान में 26 सितंबर को राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा रीट का आयोजन हुआ। शाम होते होते इसी दिन सवाईमाधोपुर जिले की गंगापुर सिटी से ये पता चला कि एक संगठित गिरोह ने जे सीरीज का पेपर लीक किया है। पूरे मामले की जांच उच्च स्तर पर एसओजी ने की और करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें बत्तीलाल और पृथ्वीराज शामिल थे। शुरुआत में लगा कि पूरे मामले में बत्तीलाल ही मास्टरमाइंड है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। लेकिन 41 दिन बीत जाने के बाद भी पेपर लीक का मास्टरमाइंड एसओजी की गिरफ्त से दूर है। मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, जिसके बाद खुद एसओजी एडीजी को सामने आकर ये कहना पड़ा कि एसओजी निष्पक्ष जांच करेगी और एसओजी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि रीट पेपर मामले में 36 दिन में रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन 41 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अब तक बेनकाब नहीं हुए हैं। तो किसी को भी इस मामले में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि ना तो कोई सरकार के स्तर पर और ना ही हमारे यहाँ पे किसी को भी ये इस बात में कोई दो राय है कि अपराधी हैं तो उनको नहीं पकड़ना हो। अपराधी जो भी हों, उनका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय, अपराधी अपराधी ही हैं और वो पकड़े जाएंगे।